हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलते हैं। वैसे आज की जॉब अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, पूरी वीडियो देखना क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए वीडियो होने वाली है, तो जरूर से वीडियो को देखना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलता रहे। और यहाँ पे लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है, तो फटाफट से लाइक कर देना। टारगेट में नहीं रख रहा हूँ, आप पे रख रहा हूँ, तो कंप्लीट कर देना। और इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खास अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, लेकिन मेरी वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद आप वहां जाके पूरा देख लेना उसके। तो यहाँ पे ऑफर कुछ इस तरह से है कि अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप स्टॉक्स की तरफ से यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 1 से 7 मार्च तक ये अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आप फ्री में डिपेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और उसके बाद आपको 3 मेंटरशिप मिलेगी, सर्टिफाइड मेंटर होगा जो आपको गाइड करेगा किस तरह से ट्रेडिंग करनी है। 3 मेंटरशिप है, वैसे इसका चार्ज होता है, लेकिन 3 मेंटरशिप टोटली फ्री रहेगी। तो आप अगर विजिट करना चाहते हो, आप पूरी तरह से किसी तरह की इंक्वायरी करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो जरूर मिल जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, उनको कॉन्टेक्ट करिए। खास अपॉर्चुनिटी अगर आप एक्स्ट्रा कुछ अर्न करना चाहते हो तो। तो यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देख लेना, बाद में आप लिंक पे जाना। अब यहाँ पे आज की जो जॉब है उसके बारे में बात करें तो आज की जॉब SJVN लिमिटेड की तरफ से मिनी रत्न है, तो अच्छी खासी कंपनी है। वैसे इस जॉब की सबसे खास बात यह है कि ये विदाउट गेट अपॉर्चुनिटी दे रही है, मतलब अगर ऐसी जॉब आपको जनरली गेट एग्जाम के थ्रू मिलती है ये जॉब, लेकिन यहाँ पे विदाउट गेट ये लोग ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है अगर आप चाहते हो तो। वैसे यहाँ पे इसकी अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ये खुलने वाली है 12th मार्च से और ये चलेगी कुछ 1st अप्रैल तक। तो यहाँ अब अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 12th मार्च को इसकी लिंक आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जॉब के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे ये जॉब एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की है, तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए 15 पोस्ट है, अगर आपने सिविल किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मैकेनिकल वालों के लिए 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 10 है, एनवायरमेंट के लिए 4 है, आईटी के लिए 3 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 2 है। वैसे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 4 है, फिर फाइनेंस उसमें यानी कि CA और ये सब किया हुआ है तो उनके लिए टोटल 6 है, उसके बाद HR के लिए 6, लॉ के लिए 5, मेडिकल के लिए 4 और सेफ्टी के लिए 3। इस तरह से अलग अलग पोस्ट है। यहाँ पे बोला गया है कि CA वगैरह किया हुआ है तो सिर्फ पासिंग चलेगा, लेकिन अगर आपने डिग्री वगैरह किया हुआ है तो जनरल वालों के लिए 55% और SC ST वालों के लिए 50% यानी 5% का कंसेशन दिया हुआ है। और यहाँ पे साथ में मैं ये भी बता दूं कि फाइनल ईयर वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, जिनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वही अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बात का खास ध्यान रखना। बाद में आप क्वेश्चन पूछते हो इससे अच्छा मैं आप डायरेक्टली आंसर कर दूं, नहीं अप्लाई कर सकते हो तो आप ये वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हो। नाउ एप्लीकेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फी जनरल वालों के लिए 600 है, लेकिन जो बाकी SC ST की कैटेगरी में आते हैं उनको किसी भी तरह की फीस नहीं भरनी है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लेना कि आपको सही लगता है तभी अप्लाई करना, यहाँ पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वैसे सैलरी की बात करें, सैलरी काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड के लिए रखा जाएगा, जहां पे आपकी स्टार्टिंग हो सकती है 50,000 से लेके 1,60,000 तक, और यहाँ पे 1 साल तक आपको ट्रेनिंग मिलेगी। ट्रेनिंग मिलने के बाद आपको पोस्ट किया जाएगा, जहां पे आपकी सैलरी स्टार्टिंग 60,000 से लेके 1,80,000 के बीच में हो सकती है E3 लेवल की कैटेगरी में। ऐसी जॉब गेट के थ्रू मिलती है, लेकिन ये विदाउट गेट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम पार्ट डिस्कस कर ले तो यहाँ पे ये 10 लाख का आपको श्योरिटी बॉन्ड साइन करना होगा। वैसे सिर्फ साइन करना है, 10 लाख देने नहीं है, अगर आप छोड़ देते हो बीच में वो पीरियड के बीच में तब आपको देने हैं। वैसे इतनी अच्छी जॉब हो तो 3 साल तक आपको श्योरिटी बॉन्ड में क्या फर्क पड़ता है। तो 10 लाख रुपए आपको जनरल कैटेगरी में, 7.5 लाख SC ST वालों के लिए आपको साइन करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे सिलेक्शन कुछ इस तरह से होगा, आपके टेस्ट ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा। नाउ यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो टोटल 2 पार्ट्स में, पहला पार्ट है जिसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, अपने अपने डिसिप्लिन यानी कि मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के होंगे, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के होंगे, इस तरह से वो पूछे जाएंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और पार्ट 2 जो टेस्ट का होगा वो सिर्फ 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, जिसमें यहाँ पे कहा गया है एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड। एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड शायद हाई लेवल का एप्टीट्यूड होगा,
मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड में भी कुछ अलग हो सकता है नॉर्मल एप्टीट्यूड से। फिर उसके बाद अगर आप सारी चीज़ें क्वालिफाई कर सकते हो या कर जाते हो तो ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। नाउ एज लिमिट यहाँ पे बता दिया है 30 इयर्स की एज लिमिट होगी, बाकी अगर SC/ST से हो तो 5 इयर्स का एक्सेप्शन यानी कि मिल जाता है, 5 इयर्स ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब SC/ST वाले 35 इयर्स तक जा सकते हैं। वैसे यहाँ पे कैटेगरी वाइज बोला गया है, ये भी टेबल डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो सिविल में SC में अगर 3 है, ST में 1 है, OBC के लिए 3 है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 6 है और EWS के लिए 2 है, और मैकेनिकल में SC वालों के लिए 1 भी पोस्ट नहीं, ST के लिए 1 है, OBC में 2, अनरिजर्व्ड के लिए 2 और EWS के लिए 1। कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिसाइड की है इन्होंने। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो यही सारी, मतलब अगर एज रिलैक्सेशन सिर्फ ST वालों के लिए नहीं है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर कैंडिडेट्स वालों के लिए भी है, फिर यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है उनके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, सर्विस बॉन्ड के बारे में बात कर लिया, फीस के बारे में बात कर लिया, सब कुछ डिस्कस हो चुका है। डेट्स 12th मार्च से शुरू होगा और लास्ट डेट जो है 1st अप्रैल है। अब बाकी की टेंटेटिव डेज कुछ भी दी नहीं गई है, तो होता क्या है वो देखते हैं, जैसे ही कुछ अवेलेबल हो जाता है तो आपको मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 12th मार्च से है, तो जैसे ही इसकी एप्लीकेशन लिंक खुल जाती है तो आपको लिंक मिल जाएगी। वैसे जॉब की डिटेल्स आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी भी डिटेल्स साथ में मिल जाएगी, और वो अपस्टॉक्स का आप विजिट करना ना भूलना, एक बार जरूर से विजिट करके देख लेना। और यही सारी बातें हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।